हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई बागवानी। फ्रेंड्स, यदि आपण माने फर्स्ट टाइम आमर यूट्यूब चैनल ई बागवानी को आछंती ताले निश्चित भाव में वीडियो तले जो लिखा जाय छी सब्सक्राइब लिखा जाय रेड कलर रे, तापर क्लिक कर दियंतु आ साइड रे जो बेल चिन्ह गो घंटी चिन्ह तापर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन एनाबल कर दियंतु, जादर कि मु जहां भी बगीचा बनेबे आ कृषि संबंधी वीडियो बनेबी तो आपण मानको नोटिफिकेशन पहुंच परबो। देखंतु मु आज आपनको सिखेबी गोटे फार्मिंग टेक्निक जडर छि कि वर्टिकल फार्मिंग। वर्टिकल फार्मिंग माने आपण माने कम जगह रे हला कम जगह रे कम भूमि की यूज करके आपण बेसी फसल उत्पादन किमित करि परबे। ए जो वीडियो रे आपण देखछंती एटा हो जो वर्टिकल फार्मिंग रे गोटे मॉडल जोटा कि एथरे मु काकुड़ी प्लांटेशन करी छी। काकुड़ी रे देख पड़तिबे दे किमिति मु 7-8 फुट पर्यंत हाइट रे हाइट पर्यंत काकुड़ी चासो करि पेबी। काकुड़ी गछ जनरली तले मड़े की भी किसी लोग करती आ कि मंचा करती मंचा करवा द्वारा कौन था जोटी गच्छ लगा तार बाँपट को देखिपे बाँपट को पूरा गोटे एरिया 5-7 फुट पर्यटन चौड़ा एरिया गोटे मंचा होता पूरा से भूमि यूज होता छाई होता जो कौन गच्छ हो न था। तो ये कौन है ये जो मुझे वर्टिकल फार्मिंग कर सीधा पूरा गोटे वाल टाइप बांधे चाल को पूरा 8 फुट पर्यंत आपन को से जो गच्छ जी मंदा कराए से सीधार से एरिया भितर मैंने चांखड़ा एरिया भितर से सीधा जाल उपर चढ़ गच्छ गुड़ाक आपन को कौन सी एरिया यूज हम ना से अल्प एरिया रे पूरा सीधा से जो वाल बनाई जाल तारी उपर चढ़ी काकुड़ी फल ए भल फ्रुटिंग भी हम कहीं सनलाइट भल भाव पड़ पार ए पोक कम लगे सनलाइट भल पड़वा द्वारा एथेर भल फ्रुटिंग हे क्वालिटी फ्रूट भी हे। जदि जो मैंने तले करती से कौन हुए कि काकुड़ी गुड़ा तले लग लाल पड़ जाए वर्षा दिन में वर्षा हवा द्वारा पची भी जाए काकुड़ी नष्ट हो जाए। तो ए कौन हम ना कौन सी प्रकार पचवा सड़वर चान्स ही ना आपणकर सब क्वालिटी सैज सैज काकुड़ी आसो यार टेस्ट भी भल रे को अर्गानिक वेयर करने मुझे ट्रेंच बनई प्रथम जो जो मंदा बनई थी ट्रेंच बनई थी मैंने खोलिकी तादेह गोबर खत ढाड़ी तादेह मु मंजी रोपण करद्वारा कि पूरा अर्गानिक यार टेस्ट भी बहुत भल आसो। जदि आप सार मध्यम करेंगे एटा टेस्ट भल आसो ना से आपण मैंने चेषा करते अर्गानिक करने जब घर खाई कर देखु हाइट रही प्राय 8 फुट पर्यटन ये माड़ पार मैं गोटे मंचार जी काम होता था जोटा कि गोटे बड़ एरिया नहीं था कौन सी एरिया ना जस्ट चांखेड़े चौरू पूरा 20-22 फुट पर्यटन लंबा एरिया से चांखेड़े चौड़ा कौन सी प्रकार सैड्रे भूमि यूज है ना केवल काकुड़ी जो मंदा है से मंदा सीधा रखे जाल उठे दिया गोटे व्वाल तारीपर ही चढ़ काकुड़ी चढ़ हार्वेस्टिंग पार हार्वेस्टिंग बहुत सुविधा हार्वेस्टिंग सीधा सैड्रे छिड़ा हे आप आराम से जाल देर काकुड़ी झुल थे छिड़े आनी पारे आउ गोटे सुविधा कौन एथेरे घास समस्या भी हम जब आप तले मड़े करेंगे कौन ना तर घास जो माड़ी ता भितर आप घास बाछापी बड़ प्रॉब्लम हम आते आप हार्वेस्टिंग भी करेंगे आप गोटे गोटे डंक को सैड कर खोजी खोजी आपन को काकुड़ी गुड़ा खोजिक तोलिया पड़ो कि आप आराम से तले छिड़ा हे छिड़ा कि पूरा जो वाल बनाई जाल वाल बनाई से काकुड़ी झोली थी आप आराम से तोल आनी पारे एटा हाइट जो रखाई हाथ जिते पर्यटन पाऊ से हाइट पर्यटन रखाई आपन को तोलियापी भी कौन सी प्रोब्लेम हम ना। तो यही टेक्निक को आम वर्टिकल फार्मिंग कह वर्टिकल फार्मिंग सीधा भाव स्तंभ भाव स्तंभ फार्मिंग जो करा स्तंभ भाव सीधा उपरक उठो आउ सैड्रे कौन जमी उपर से माड़ ना जहाद्वारा कि आमको कम जमी में आमको बेसी उत्पादन कर। तो मोर प्लानिंग अच्छी एटा सहित मुझे छाड़ी दि फुट जगह छाड़ी पुणी आउट लाइन ले कलरा प्लांटेसन करी कलरा लगे सहित तरह गोटे वाल बना जो जाल तारी उपर चढ़ जहाद्वारा कि कौन हम ना एका सांग तीन चार लाइन ले फसल कर जो थे मंचा बन था गोटे मंचार कवर होता से एरिया मुझे तीन चार लाइन फसल बन पारि ता सहित मझे जो गैप रही लंका बैगण यह सब गच्छ लगे देखते बैगण लगे सैड्रे बैगण गच्छ भी लग जापर एका सांगे मल्टीक्रप करहब एका सांगे आपको बहुत भल प्रॉफिट मिल पार जो मैंने वेजिटेबल क्रप करके चलुंट
ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ୟୁଜ୍ କଲେ ସେମାନେ କମ୍ ଜାଗାରେ ବେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ଅଗଣାରେ କୌଣସି କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ ବନେଇଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବାଡ଼ି ଅଗଣା ଯେତେବେଳେ କିଚେନ୍ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ କେବେ ବି ସାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମାର୍କେଟରେ ବି ତ ସାରଯୁକ୍ତ କେମିକାଲ ଯୁକ୍ତ ମିଳୁଛି ଖାଦ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନେ ବିନା ସାରରେ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଆସୁଛି, ତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନେ ବିନା କେମିକାଲରେ ଗୋବର ଖତ ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଚାଷ କରିକି ଘରେ ପରିବା ଖାଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆମର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ନଲେଜେବୁଲ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ୍, ଜୟ ଭାରତ।